जो भी मैं आज हंड्रेड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो तकरीबन ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो की पी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है वर्क डन टू मूव अ चार्ज

सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज तो कौन सी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस नोन करती है वो करती है आपके पास वोल्ट मीटर क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास वन एम्पीयर इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास एम्पीरियर आवर इज यूनिट ऑफ तो एम्पीरियर आवर जो है आपके पास यूनिट है क्वालिटी ऑफ चार्ज के क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सप्रेस तो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्रेस किया जाता है कूलम में सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन तो ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं हो सकती जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है तो वो कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर नाइनटीन कूलम से ये कम नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ तो ये इंडिपेंडेंट किसके होता है ये इंडिपेंडेंट होता है आपके पास शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ सर्किट ऑफ एन माइक्रो एम्पियर तो यहाँ पे आपको करंट है आपको कन्वर्ट करना है इसे माइक्रो एम्पियर में तो राइट right आंसर हमारे पास कौन होगा वो होगा सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेल्व बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन कूलम लॉ द लॉन्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के हैज द यूनिट जो कूलम लॉ में आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आता है उसका जो यूनिट है वो कौन से होंगे आपके पास वो है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वेयर कोलम स्क्वे इनवर्स नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ रजिस्टेंस तो रजिस्टेंस आपके पास आर होती है इज इक्वल टू वोल्टेज ऑपन करंट आपको पता होगा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे जो राइट right आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा बोल्ट एम्पियर तो सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस इज तो रजिस्टेंस के रेसिप्रोकल कौन होंगे हमारे पास कंडक्टर कंडक्टेंस तो ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर ये क्वेश्चन आपको पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी रजिस्टिविटी जो है आपके पास इंडिपेंडेंट होती है और में यही डिफरेंस है रजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रजिस्टेंस कह सकते हैं यानी स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिए के साथ तो ये इंडिपेंडेंट होती है लेंथ के क्रॉस एक्शन के एंड वायर के मास के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थ्री रजिस्ट टर्न्स ऑफ टू ओ होम फोर ओ होम एंड सिक्स ओम आर कनेक्टिंग इन सीरीज़ द इफेक्टिव रजिस्टेंस विल बी तो इनकी रजिस्टेंस कितनी होगी आपको पता होगा सीरीज में जो है रजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है तो इसकी रजिस्टेंस कितनी होगी इन सबको आप ऐड करोगे तो राइट आंसर आपके पास आएगा सिक्स ओम से वो ज़्यादा ही होगी नेक्स्ट है हमारे पास आर वन आर टू आर थ्री रजिस्टेंस आर कोनेक्ट बिटवीन ए एंड बी इन सीरीज ऑर्डर द रिजल्टेंट रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितनी आएगी वो आएगी आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे भी आपके पास रेजिस्टेंस दी गई है आर वन आर टू आर थ्री उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है जब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो उनकी रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी यानी वो वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू करके आएगी तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर कौन बनेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वन अपॉन आर है तो जब आर ऊपर जाएगा तो पूरी की पूरी टर्म ही आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा तो वो ऊपर जाएगी तो ये आपके पास राइट आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट यहाँ पे आपको करंट निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सीक्वेंस आपके पास बना हुआ है आप इस लॉ के ट्राइंगल लॉ से भी इसको निकाल सकते हैं तो इसमें टोटल करंट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी वन एम्पियोर नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज तो वो किसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के लेंथ के रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेक्स्ट हमारे है पास टू रजिस्टेंस वन ओह टू ओह आर कनेक्ट इन अ सीरीज एंड देन अरेल कि आपके पास दो रजिस्टेंस है उनको आपने पैलल कनेक्ट किया फिर आपने उनको सीरीज कनेक्ट किया तो जो उनकी जो इफेक्टिव रजिस्टेंस आएगी वो किस तरह से आएगी जब सीरीज में करेंगे तो ज़्यादा आएगी पैलल में कम आएगी यानी नाइन इज टू टू जो है यहाँ पे राइट right आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज आर इफ इट्स लेंथ इज डबल देन न्यू रजिस्टेंस इज तो मैंने आपको पहले ही बताया था, था कि डायरेक्टली प्रपोशनल है पहले आर थी फिर उसकी टू आर हो गई तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है लेंथ उसकी डबल हुई है तो रजिस्टेंस भी उसकी डबल ही आपके पास यहाँ पर हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास राइट right आंसर है नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ हीटिंग वर गिवन बाई जूल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन हाउस पावर इज इक्वल टू ये क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में सेवन फोर्टी सिक्स नेक्स्ट है हमारे पास एन इक्वल रजिस्टेंस आर फर्स्टली कनेक्ट इन सीरीज देन कनेक्ट इन पैरेलल द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रजिस्टेंस द राइट आंसर इज वन अपॉन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बी ओ टी विल बीवल टू तो वो किसके बराबर होता है वन किलो वाट आवर के बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ हंड्रेड वाट बल्ब ग्लो फ्रॉम सेवन आवर एवरी डे वट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन थर्टी वन डेज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन किलो वाट जूल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवन एम्पियर करंट फ्लो फ्रॉम ट्वेंटी फाइव मिनट थ्रो अ सर्किट है थ्री ओहम रजिस्टेंस विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सर्किट तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो फाइव इनको अगर आपको ये सॉल्व नहीं होते तो आप हमें कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन है उनको सभी को आपको सॉल्व करवा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27 सेवन अ बल्ब ऑफ हंड्रेड वोल्ट एंड 25 फाइव बार्टज अ रजिस्टेंस आर वट बिल विद रजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब 50 वोट एंड 25 फाइव द राइट आंसर कितना आएगा आर अपॉन फोर नेक्स्ट हमारे पास हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ हीट विल अप्रॉक्सीमेटली बी डेवलप्ड इन अ टू वन जीरो वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इन फाइव मिनट तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो राइट right आंसर आपके पास बनेगा वन फाइव ज़ीरो ज़ीरो जीरो नेक्स्ट हमारे पास टू किलोवाट बॉयलर यूनिट यूज फॉर वन आवर एवरी डे कंज्यूम द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन थर्टी डेज एंड द राइट आंसर कितना बनेगा सिक्सटी यूनिट नेक्स्ट हमारे पास वन मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट तो मेगा और वन इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट है तो वन इलेक्ट्रॉन 19 जब आप इसको मेगा के साथ कन्वर्ट करोगे और जूल्स में इसको लेके आओगे तो इसका राइट right आंसर बनता है थर्टीन तो थर्टी क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है हमारे पास एंड द सेंटर ऑफ़ द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा मैगनेटिक कुछ इस तरह से होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कुछ इस तरह से अरेंज होती है तो एट द सेंटर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो होती है जीरो तो सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास अ मैगनेटिक फील्ड कैन एग्जर्ट एग्जर्टिड फोर्स ऑन ऑल ऑफ दिस मूव मूविंग मैगनेट स्टेशनरी मैगनेट मूविंग चार्जेज नेक्स्ट हमारे पास अ मैग्नेटिक फील्ड यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग इन अ करंट इज सर्कुलर आपको पता होगा वो इस तरह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स तो ये सारी की सारी है आर मोर डायरेक्शन हैव नो फिजिकल रियलिटी कैन बी यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द राइट आंसर इज सी द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कैन बी डिटरमाइन बाई राइट हैंड थम रूल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाई द फ्लो ऑफ करंट इन अ स्टेट कंडक्टर द फिनोमना बात डिस्कवर बाई ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो अगर उसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सनलाइट कैरिंग करंट इज यूनिफॉर्म ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास यहां पे राइट right आंसर है जो मैग्नेटिक फील्ड है लॉन्ग सोनोलाइड में वो यूनिफॉर्म होगी नेक्स्ट हमारे पास अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इन द करंट कैरिंग सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड विल इंक्रीज ऑप्शन सी जो है राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड अ लॉन्ग करंट सोलिनोइडर स्ट्रेट ये दोबारा से आपके पास रिपीट हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है हमारे पास टू पैल कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दो पैरेलल कंडक्टर हैं मगर जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं एंड 45 फाइव है हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्टेड नो फोर्स ऑन तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके ऊपर फोर्स नहीं डालती ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज नेक्स्ट है हमारे पास टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या करेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा तो चलिए थोड़ा सा उसको भी स्टडी करते हैं यहाँ पे है टू पैरल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ सेम डायरेक्शन और यहाँ पे है टू पैरल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होंगे करंट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपेल करेंगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी चार्ज क्यू इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज तो वो कितने होंगे स्टेशनरी चार्ज के ऊपर जीरो होगा द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ सर्कुलर वायर इन इट्स सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर नेक्स्ट है हमारे पास फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो मैग्नेट द मटीरियल ऑफ द कोर इज सॉफ्ट आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फिनोमना ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूज करंट इन अ कॉयल वैन एवर देअर इज रिलेशन मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क बाय द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन राइट आंसर इज डाइनमो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन जो डाइनमो है वो भी आपके पास डीसी जनरेटर ही होता है नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी नेक्स्ट हमारे पास द मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज स्टील नेक्स्ट हमारे पास द फ्रिक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, था। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो डायनमो के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है नेक्स्ट हमारे पास फिफ्टी सेवन एन इंड ई एम एफ इज प्रोड्यूस वेन अ मैग्नेटिकोड्यूज इंटू अल मैग्नीट्यूड ऑफ द ई एम एफ इंड्यूस ई एम एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रजिस्टिबिलिटी ऑफ द वायर क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज that is called generator next mri pass which of the following involve electromagnetic induction right answer is the relative motion between a magnet and a coil produced on electric current next mri pass you have a coil and a bar you can produce electric current by moving either the magnet or a coil next mri pass the electric motor convert electric energy into kinetic energy नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज अ फ्यूज वायर तो राइट आंसर ऑफ लेड एंड टिन जो है वो फ्यूज वायर में यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड लेड दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया नेक्स्ट हमारे पास फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस आपको पता होगा अगर ज्यादा हीट या ज्यादा करंट आ जाए जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है और वो वायर टूट जाती है द मेन स्विच ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज पुट ऑफ इट डिसकोनेक्ट द लाइव एंड न्यूट्रल वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेन अ फ्यूज़ इज रिलेटेड एट ए टैंपियर इट मीन कि अगर कोई फ्यूज है उसे ए टैंपियर के साथ लेट किया जाता है इट मीन कि अगर उसका ए टैम्पियर से ज़्यादा करंट होगा तो वो बाहर से खराब हो जाएगा यानी आपका जो फ्यूज है वो उठ जाएगा तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट हमारे पास पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर हाउस ऑन हाई वोल्टेज इज ए सी इज द राइट आंसर इज इट इज मोर इकोनॉमिकली ड्यू टू लेस पावर इज वेस्टेड तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है नेक्स्ट हमारे पास एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूज इन क्लोज लूप बाय मूविंग अ मैग्नेटिक नियर इट बट नॉट बाय द कनेक्टिंग टू इट अ वायर नेक्स्ट हमारे पास Which of the following describe the common domestic power supply in India? Right answer is 2 to 0 volt and 50 hertz. Next question, MRE pass. In electric fitting in house, the live wire goes through the switch. Next, MRE pass. An electric fuse is based on the heating effect of the current. नेक्स्ट है हमारे पास द वायर लूप शोइंग इन द फिगर कैरिंग अ करंट एज शोन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ओ तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर के ऊपर तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं बट यहाँ पे फार्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन फोर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड इन साइड मैग्नेटिक इज वो कहाँ से होती है जो आपके पास यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे तो वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी कुछ इस डायरेक्शन में नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल ऑफ ए वेक्टर क्वान्टिटीज डायरेक्शन तो ये आपके पास साउथ टू नॉर्थ यही आपके पास यहाँ पे पोजीशन चलती है आप इस तरह से भी याद रखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप यहाँ से भी डायरेक्शन से भी याद रख सकते हैं आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ तो आप इस तरह से याद रखिए जिस तरह मानसून आती है आपको पता होगा इंडिया में दो तरह की मानसून आती है एक जो आजकल चली हुई है एंड एक जो दिसंबर के महीने में आती है तो ये वाली यहाँ पे कम होती है बट ये वाली सबसे डेंजरस होती है और पूरे इंडिया में आती है तो इस तरह से याद रखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ जी तो बैक्टर्स की डायरेक्शन होती है और वही डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक पोल्स की बनेगी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव हमारे पास अब मैगनेट विद मोमेंट पी एम इज गिवन इफ इट इज़ बैंड इन टू अ सेमी सर्कल फ्रॉम इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट तो उसकी न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितनी बनेगी टू पी एम अपॉन पाई क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स है हमारे पास अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस बी द टॉर्क तो टॉर्क कितना होगा आपके पास तो यहाँ पे टॉर्क बनेगा एम इन टू बी सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरोट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ द डीप इज जीरो नेक्स्ट हमारे पास तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये क्वेश्चन टी जी टी में भी आया था नेक्स्ट हमारे पास द मैगनेटिक निडल सस्पेक्टिक फ्री ऑरटेशन इट्स सेल्फ इन अ डिफाइन डायरेक्शन नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक मैरिडन इज वर्टिकली प्लेन अलॉन्ग नॉर्थ साउथ नेक्स्ट है हमारे पास टू शील्ड एंड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्लेस्ड इन साइड कैबिन ऑफ आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81 वन अ मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड द टॉक क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास इन अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क इट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फॉर इट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which of the following is a unit of electric charge right answer is coulomb next question pass the existence of negative charge on a body implies that it has a acquired some electron from outside next question a a systematic study of electromagnetic magnetic induction was firstly discovered why done by faraday next mri pass the direction of induced current in a coil or such a सर्किट इज सच दैट इन अपोज द काउज ऑफ इट्स प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड लेंस डाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग डज नॉट हेल्प इन तो वो किसमें हेल्प नहीं करती मैटर टू बिकम हार्ड नेक्स्ट है हमारे पास बैटरी इज चार्ज इन द मोटर कार विच इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फेरडे इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास which of the following cell involves similar chemical reaction the right answer is option number d next question MRI pass which of the following is not the name of secondary cell and right answer is fuel cell. Next MRI pass which of the following is not the storage cell and that is dry cell next question M pass in which of the following sorry in which of the cell step need not to take to avoid local, एक्शन राइट इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट कैरीज करंट इन इलेक्ट्रोलाइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस क्वेश्चन नंबर 95 फाइव है हमारे पास वट right है ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ एसिड सेल एंड राइट आंसर इज वोल्टेज इंक्रीज नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास द करंट कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज सेकेंडरी सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर तो गाइज यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चन आपके साथ स्टडी कर लिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में